जय हिंद दोस्तों, आप सभी एक्स सर्विसमैन का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से निकली उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती में, जिसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा रिजर्व्ड है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये है दोस्तों उसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन, ठीक है। लॉन्ग नोटिफिकेशन दोस्तों इसकी आ चुकी है, लेकिन मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन से वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि दोस्तों जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसमें हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो है वो नोटिफिकेशन दी गई है। तो लॉन्ग जो इनकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसको आप सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर आपको कोई भी कमेंट है तो आप उससे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग वेरियस वैकेंसीज, ठीक है। वेरियस कैटेगरी कैडर पोस्ट अंडर द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट 2024-25 इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय हैं उनमें ये भर्ती होनी है। मतलब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पोस्टेड हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए होम पोस्टिंग के हिसाब से। द कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, ठीक है। काफी सारी पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया है और इन्होंने बोला है कि आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट दे विल हैव टू अप्लाई एंड पे द एग्जामिनेशन फीस सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट एज प्रोवाइडेड इन द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। द डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज आर गिवन बिलो, ओके, जिनकी आपसे जो है वो मांगी गई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। इसकी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आई है उसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए मुझे पता है कि स्टेनोग्राफर नहीं आती है ज़्यादा, 99% केस में एक्स सर्विसमैन को स्टेनोग्राफी नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि कुछ एक्स सर्विसमैन हैं जिनके लिए स्टेनोग्राफी आती है। तो सबसे पहले तो ये है दोस्तों कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर का ये पद है, ग्रुप सी का पद है और ग्रेड थर्ड, ठीक है, ग्रुप सी के अंडर ग्रेड थर्ड की ये जो है वो वैकेंसीज हैं। इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दोस्तों हैं 583, जिसमें से 517 हिंदी स्टेनोग्राफर की हैं और 66 इंग्लिश स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं। इस भर्ती में दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, उसके बाद में आपके पास में स्टेनोग्राफी यानी कि शॉर्ट हैंड में दोस्तों डिप्लोमा होना जरूरी है, प्लस आपके पास में ट्रिपल सी का भी डिप्लोमा होना जरूरी है, और आपके पास में दोस्तों टाइपिंग की स्किल होना जरूरी है, जिसमें आपको हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग ऑन कंप्यूटर करके दिखानी होगी, ठीक है। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए 18 से 40 साल आपकी जो है वो एज है और एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी एज इसमें होती है रिलैक्सेशन वो आपको मिलेगी, ठीक है। पे स्केल दोस्तों जो आपका है वो 5200 तक है और ग्रेड पे आपकी है 2800, यानी कि अगर पुलिस के अंदर हम बात करें तो ये ASI लेवल की दोस्तों जॉब है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी जॉब है दोस्तों। मुझे पता है, मैंने स्टेनोग्राफर के साथ में काफ़ी काम किया है, कि इनके पास में दोस्तों जो है वो कोई भी काम नहीं होता। आपने भी अगर कभी ऑफिस में इनको देखा होगा तो आपको पता होगा। चलिए सेकेंड जॉब की तरफ चलते हैं। सेकेंड है दोस्तों ग्रुप सी कैडर की पोस्ट, क्लरिकल कैडर की है ये, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस, ठीक है। चलिए तो इसमें दोस्तों जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 1054 932 जूनियर असिस्टेंट की है 932 वैकेंसीज और पेड अप्रेंटिस की दोस्तों है 122 वैकेंसीज, ओके। एज इसमें भी 18 से 40 ही ली जा रही है और अक्सर इसमें इनको जो भी छूट मिलती है एज में वो यहाँ पर पूरी दी जाएगी। इसका दोस्तों जो पोस्ट वन है यानी कि जूनियर असिस्टेंट, इसका जो ग्रेड पे है दोस्तों वो है 2000 और जो पेड अप्रेंटिस की जो पोस्ट है इसका दोस्तों जो ग्रेड पे है वो है 1900 यानी कि 1900। अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट आपके पास में होना चाहिए, मतलब आप 12th पास होना चाहिए,
ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी कंप्यूटर पर हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी होगी, ठीक है। तो स्किल टेस्ट भी आपका यहाँ पर लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं थर्ड पोस्ट के बारे में कि थर्ड पोस्ट जो है ग्रुप सी की क्या है। ओके, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ड्राइवर कैटेगरी की ये पोस्ट है, मतलब ड्राइवर की ये पोस्ट है दोस्तों। इसके लिए आपको हाई स्कूल पास होना जरूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास में होना जरूरी है जो कि 3 साल से पुराना होना चाहिए। ओके, चलिए इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 30, 18 से 40 साल इसमें एज ली जा रही है और ग्रेड पे है इसकी 1900। चलिए अब चलते हैं हम आगे। अब बात करेंगे दोस्तों ग्रुप डी की पोस्ट की। तो ग्रुप डी में दोस्तों ये सेंट्रलाइज्ड जो है वो वैकेंसीज दे दी गई हैं। पूरे जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसमें 1639 वैकेंसीज हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले जो पद है वो है ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, नंबर दूसरा है प्रोसेस सर्वर, तीसरा है ऑर्डरली प्योन, ऑफिस प्योन ऑब्लिक फरास, ठीक है। चौथा है चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, विस्ट और लिफ्टमैन, और चौथा है इसमें स्वीपर कम फर्राश, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ट्यूबवेल ऑपरेटर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जूनियर हाई स्कूल यानी कि 8 क्लास आपके लिए पास होना चाहिए, 8वीं क्लास ले रहे हैं इसमें केवल, ठीक है। और 1 ईयर का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, वो कंसर्न ट्रेड में, ठीक है। एज सभी के लिए 18 से 40 ही है दोस्तों, और जो पे ग्रेड है दोस्तों वो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोसेस सर्वर के लिए दोस्तों हाई स्कूल जो है वो लिया जा रहा है, और ऑर्डिनरी ऑब्लिक प्योन के लिए जूनियर हाई स्कूल यानी कि 8वीं क्लास पास, और जूनियर हाई स्कूल के लिए दोस्तों सॉरी चौकीदार के लिए जूनियर हाई स्कूल, और स्वीपर कम फर्राश के लिए जो है वो 6 क्लास अगर आप पास हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज सभी के लिए 18 से 40 ही है, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों जो है वो इसकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप इससे यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 अक्टूबर 2024 से 24 अक्टूबर 2024 तक आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।